नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे शेषनाग का खजाना, जो कि राम रहीम की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 31 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। मरते मरते ये सैनिक नकोदर के लिए संकट उत्पन्न कर गया। टन, ओह संकट, खचाक। अब मुझे जल्दी से शेषनाग के खजाने पर अपना अधिकार कर देना चाहिए। तड़ाक। इधर खतरे का संकेत सुनकर नागलोक में हंगामा मच चुका था। खतरा? कोई शैतान शेषनाग के खजाने तक आ पहुंचा है। वो नागलोक से बचकर नहीं जाना चाहिए। वो रहा शैतान, मार डालो इसे, शेषनाग के खजाने के रक्षक। पर मुझे इनसे क्या भय, अब मेरे पास है शेषनाग का दिव्यास्त्र द्विदंती। द्विदंती इन्हें नकोदर के राह में आने का मजा चखाएगा। हिस, नागलोक का सेनापति विषाक्त। शेषनाग के खजाने पर कोई संकट आ पड़ा है, जल्दी आओ मेरे साथ। ओह और सैनिक, वो रहा शेषनाग के खजाने का चोर, मार डालो इसे। नकोदर का मुकाबला करना अब तुम्हारे लिए आसान नहीं है, मूर्ख नाग सैनिकों। कर कड़ा, ओ नहीं, इंद्र के वज्र का प्रहार। आ, समाचार नागराज वासुकी तक जा पहुंचा। क्या, हम स्वयं उसे अपने हाथों से समाप्त करेंगे। नकोदर दुष्ट हत्यारे, अब तेरा अंत स्वयं हमारे हाथों तो होगा। ओ स्वयं नागराज वासुकी। नागराज वासुकी, तुम्हारा खड़ग भी तो मेरे पास है, युद्ध किससे लड़ोगे। नकोदर ने खड़ग का वार वासुकी पर किया। नकोदर, अब तुम्हारे हाथ नहीं लगेगा नागराज वासुकी। नहीं, नकोदर को रोकना होगा, अन्यथा शेषनाग प्रलय ढा देगा। अलविदा नागराज वासुकी। नागराज वासुकी के देखते ही देखते नकोदर उस विचित्र यंत्र सहित गायब हो गया। सुन, नहीं, उसे रोकना होगा, उसे रोकना होगा। मुझे रोकना अब नामुमकिन है, क्योंकि समय गति यंत्र मुझे नागलोक से 1 लाख बरस आगे पृथ्वी पर पहुंचाने वाला है। मैं वर्तमान से निकलकर भविष्य में आ पहुंचा। अब मुझे पता करना होगा कि मैं पृथ्वी पर कौन से देश में और किस शहर में आ पहुंचा हूं, तब मैं प्राप्त करूंगा पृथ्वी के अत्याधुनिक शस्त्रास्त्र। इसी के साथ नागराज वासुकी के तिलस्मी दर्पण पर उभर रहे दृश्य गायब हो गए। और राम, देखा तुमने, अब तो तुम समझ गए होगे कि पृथ्वी पर कितना बड़ा खतरा अपना फन फैला रहा है। हाँ, नकोदर के रूप में तीनों लोकों पर ही खतरा मंडरा रहा है नागराज वासुकी। किंतु एक बात मेरी समझ में नहीं आई है कि आपने नकोदर को स्वयं ही पृथ्वी पर जाकर क्यों समाप्त नहीं कर दिया। नागलोक के नियमों से बंधे होने के कारण नागलोक के किसी भी नागरिक को 1 माह तक चलने वाली नाग पंचमी पूजा के दिनों में नागलोक से बाहर जाने की अनुमति प्राप्त नहीं है राम। फिर अगर हमने पृथ्वी पर जाकर उस शैतान की ओर बढ़ने की चेष्टा की, तो वो समय गति यंत्र में बैठकर भविष्य में और आगे निकल जाएगा। और मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि आज पृथ्वी पर मानवता के रक्षकों में राम रहीम का नाम सर्वाधिक ऊंचाइयों पर है। राम प्रत्येक वर्ष नाग पंचमी पूजा के समापन दिवस पर शेषनागपिंड नाग पूजा में शामिल होते हैं, किंतु इस बार जब वो अपना खजाना गायब पाएंगे तो उनके कहर से नागलोक को बचाना भी असंभव हो जाएगा। ओ बोलो राम, क्या तुम ये कार्य करने के लिए तैयार हो? मैं शेषनाग का खजाना आप तक अवश्य पहुंचाऊंगा नागराज वासुकी, चाहे उसके लिए मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। राम, नाग पंचमी पूजा 1 सप्ताह पश्चात समाप्त होगी, यानी तुम्हारे पास नकोदर की खोज करने का समय है केवल 7 दिन। ओह, तब आप मुझे शीघ्र ही नागलोक से जाने की आज्ञा दे नागराज वासुकी। अवश्य, किंतु तुम्हारे प्रस्थान से पूर्व मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ राम। ये लो,
ये तो एक मुद्रिका है नागराज वासुकी। हाँ, किंतु ये कोई साधारण मुद्रिका नहीं है। इसे धारण करने के पश्चात तुम अपनी परछाई से भी मनचाहा कार्य ले सकोगे। लो, इसे धारण करो। ओह, राम ने वो मुद्रिका धारण कर ली। मानवता की रक्षा के कार्य में ये मुद्रिका मेरे लिए बहुत भाग्यशाली सिद्ध होगी। और इसके अलावा ये शक्ति अस्त्र प्राप्त करो, जिसे प्राप्तवान शंकर और स्वयं उनकी शक्तियों का धारक हो जाता है। किंतु नागराज वासुकी, रहीम का हाथ? अब तुम जाओ राम, रहीम को उसका हाथ शीघ्र ही मिल जाएगा। नागराज वासुकी से इजाजत लेकर राम पृथ्वी की ओर लौट पड़ा। 20 घंटे के अंत के पश्चात पूरे शहर में अब अन्य रहस्यमय शक्तियों का उत्पात आरंभ हो गया था। उफ, ये मजबूत एवं लंबी घास जमीन से निकलकर हमें जकड़ रही है। मेरा घास मेरा खून चूस रही है। नरभक्षी घास पाताल से जमीन का सीना फाड़कर बाहर आ गई है। कुछ ही देर में सड़कों पर कंकालों के ढेर लग गए थे। जमीन फाड़कर निकली इस बेल ने बाहर की गश्त पर निकले रहीम की राह रोक ली। चिटाक! ओह, ये क्या! उफ, रहीम ने फुल एक्सीलेटर घुमा दिया। मोटरसाइकिल के 350 cc पावर इंजन की शक्ति इस रहस्यमय बेल को जमीन से उखाड़ देगी। किंतु रहीम का सोचना गलत था। ओ, 350 cc की पावर इस खूनी बेल को उखाड़ने में अक्षम है। मुझे तुरंत मोटरसाइकिल से नीचे कूद पड़ना चाहिए। शुक्र है बेल ने मेरे नकली हाथ को जकड़ रखा था। रहीम के आंखों के सामने ही उसकी मोटरसाइकिल कबाड़ के ढेर में बदल गई। किंतु रहीम की बदकिस्मती कि कई लोगों को देखते ही देखते उस लंबी मजबूत बेल ने रहीम को दबोच लिया। आ, उफ, ये तो रहीम है जिसने 20 घंटे का अंत किया था और अब एक बार फिर एक भयानक संकट ने उसे घेर लिया है। आह, ये तो बुरी तरह जकड़ गई है मेरे पांव से। रहीम का मस्तिष्क तेजी से इस संकट से बचने का रास्ता खोज रहा था। मोटरसाइकिल को तोड़ने फोड़ने के बाद अब ये बेल मुझे भी वैसे ही तोड़ फोड़ कर कबाड़ का ढेर बना देगी, पर मुझे तो कोई कबाड़ी भी नहीं खरीदेगा। अचानक रहीम की आंखें चमक उठी। पेट्रोल! टंकी से बहता पेट्रोल शायद कुछ करामात दिखाए। रहीम ने पेट्रोल टंकी उठा ली और फर, आ, ये खूनी बेल मेरे जिस्म का खून चूसने लगी है। इसी के साथ रहीम ने खाली पेट्रोल की टंकी सड़क पर पटक दी। खड़ाक! सड़क पर घर्षण के फलस्वरूप उठी चिंगारियों से सड़क पर गिरे पेट्रोल ने आग पकड़ ली और ओह, मेरा प्रयास सफल रहा। खूनी बेल आग की चपेट में आ गई है। खूनी बेल आग के लपटों में घिरती चली गई, मगर ये आग तो अब बेल पर से होती हुई मेरी ओर बढ़ रही है। आ, ये बेल तो अभी भी छूटने का नाम नहीं ले रही है और मेरे वस्त्र भी आग पकड़ रहे हैं। इस प्रकार तो मैं खुद भी राख का ढेर बन जाऊंगा। तभी वहां त्रिव प्रकाश झिलमिला उठा और चौंक पड़ा रहीम। आहा, मेरा तांत्रिक हाथ! रहीम के हाथ ने रहीम को बेल से स्वतंत्र कर दिया। वाह, बन गया काम अब मेरा तो। अपने वस्त्रों पर लगी आग बुझाने के लिए रहीम तेजी से सड़क पर ही कई कलाबाजियां लगा गया। इसी के साथ रहीम का हाथ उसके बाजू से फिट हो गया। खट! वाह प्यारे हाथ, अब जरा इस खूनी बेल को छलनी बनाने में मेरी मदद करो। तर 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 तर! रहीम की उंगलियों से गोलियों की वर्षा होने लगी। इधर त्रिव होती लपटों ने बेल को वापस जमीन में समा जाने पर विवश कर दिया। याहू, रहीम जीत गया। तभी चीफ मुखर्जी की कार वहां पहुंच कर रुकी। रहीम, ओह, तुम्हें तुम्हारा हाथ वापस कैसे मिल गया? रहीम ने हाथ मिलने की पूरी घटना चीफ को बता दी। फिर बोला, चीफ, मुझे लगता है राम अपने गंतव्य तक जा पहुंचा है। ओह,
दोनों कार द्वारा आगे बढ़े। रहीम, तुम्हारे और राम के स्वप्न के पश्चात ही शहर में रहस्यमय घटनाओं का सिलसिला शुरू हो गया है। आज शहर में कई जगह नरभक्षी घास ने अपना आतंक फैला दिया है। चीफ मुखर्जी रहीम को नरभक्षी घास के विषय में बताते चले गए। सड़कों पर कंकालों के ढेर लग गए हैं रहीम। आह नहीं चीफ, इन सब रहस्यमय खूनी घटनाओं के पीछे कौन सी शैतानी ताकत काम कर रही है? एक बार मुझे ये पता चल जाए तब मैं उस शैतानी ताकत को उसकी नानी याद करा दूंगा। कि तो फिलहाल तो हम इन शैतानी ताकतों का मुकाबला करने की ही चेष्टाएं ही कर सकते हैं। रहस्यमय घटनाओं का सिलसिला जारी था। ये वातावरण में एकाएक क्या चमकने लगा? तुम सबकी मृत्यु। शैतानों ने गोलियों की वर्षा कर दी। रेट 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 आ भागो, भूत बचाओ, बचाओ आ। रेलवे स्टेशन के बाहर से गुजरते चीफ ने चौंक कर कार रोक दी। रहीम, रेलवे स्टेशन में कुछ गड़बड़ है। हाँ, लोग बुरी तरह भयभीत दिखाई दे रहे हैं चीफ। आरपीएफ उन शैतानों के मुकाबले के लिए सामने आए। थाए थाए थाए। आरपीएफ मतलब रेलवे पुलिस फोर्स। अरे, इन शैतानों पर तो गोलियों का भी कोई असर नहीं हो रहा है। थाए थाए तड़ आ तभी तड़ाक, लेकिन शैतान ने रहीम की टांगे पकड़ी और उफ। उसी क्षण नकोदर प्रकट हुआ। नकोदर अपनी शक्ति से इस धरती को हिला कर रख देगा। पूरे शहर में यह रहस्यमय चेहरा दिखाई पड़ रहा था। संपूर्ण पृथ्वीवासियों को नकोदर के कदमों में अपना सिर झुकाना होगा और मैंने अपना मुख्यालय भारत के इसी शहर में निर्मित करने का निश्चय किया है। सबको चेतावनी देता हूं मैं, ये शहर खाली कर दो वरना 5 मिनट बाद यहाँ मेरा सेनानायक अपने साजो सम्मान के साथ आएंगे और तब वो पूरा नगर खंडहर कर दिया जाएगा। इसी के साथ नकोदर का चेहरा वहां से गायब हो गया था। शहर में भगदड़ मच गई। भागो, शहर खाली करो वरना नकोदर शहर को खंडहर में बदल देगा और हमें लाशों में। चीफ, थल सेना से मिलिट्री की व्यवस्था होने में कितना समय लग जाएगा? सेना को आदेश देने में तो समय लगेगा रहीम, किंतु हमारी पुलिस व्यवस्था इस संकट का सामना करने के लिए तैयार भी हो चुकी होगी। 5 मिनट के समय में लोग केवल अपने घरों में ही जाकर छिप सकें। 5 मिनट खत्म होने वाले हैं। ना जाने इस शहर पर कैसा कहर टूटने वाला है। रहीम और चीफ स्वयं भी गश्त पर थे। नकोदर का दिया समय समाप्त होने में केवल 10 सेकेंड बचे हैं। चीफ, हम नकोदर के सेनानायकों के शहर में आगमन की ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। रहीम, पिछले दिनों शहर में घटी रहस्यमय घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए नकोदर के स्वागत का शहर की पुलिस ने अपनी ओर से पूरा इंतजाम किया हुआ था। ना जाने नकोदर के सेनानायक किस ओर से शहर में प्रवेश करेंगे और किस रूप में। लेजर गन उनका खात्मा कर पाएगी या नहीं। तभी हवा में पुनः कुछ रहस्यमय घटने लगा। रहस्यमय घेरे से ये क्या चीजें बाहर निकल रही है? सावधान, नकोदर का कोई सेनानायक बाहर आ रहा है। सब तुरंत एक्शन में आ गए। सम्राट नकोदर की जय। द्विदंती सम्राट नकोदर के लिए यहां महल तैयार करेगा। बूम कर, ओह, इसने तो हम पर ही बुलडोजर चढ़ा दिया है। सम्राट नकोदर की जय। इधर मलबे के ढेर में परिवर्तित होने लगा। सम्राट नकोदर की जय। बचाओ बचाओ। पेट्रोल पर आग के समान द्विदंती के आगमन की खबर पूरे शहर में फैल गई। द्विदंती शहर को खंडहर बनाता आगे बढ़ रहा है। अपने मकानों से बाहर निकलकर भागो। चीफ की कार ने बुलडोजर का रास्ता रोक लिया। रहीम, इसे आगे बढ़ने से रोकना होगा अन्यथा यह सचमुच पूरे शहर को खंडहर बना देगा। मैं इसे समाप्त कर दूंगा चीफ। रहीम, इसने तो हमारी कार का कबाड़ा कर दिया है। कर
सम्राट नकोदर की जय। चीफ रहीम अब इसका कबाड़ा कबाड़ी को बेचे जाने लायक भी नहीं छोड़ेगा। थर्ड, द्विदंती पर प्रहार करने वाला जीवित नहीं रहेगा। द्विदंती ने बुलडेजर रहीम एंड चीफ की ओर मोड़ दिया और अगर इस समय कहीं से बिजली मिल सकती तो मैं अपने हाथ की मदद से गायब होकर इसे सबक सिखा देता। द्विदंती को रोकने का उसका प्रयास विफल हो गया। नकोदर की जय। रहीम, बचो रहीम, मौत रहीम के बेहद निकट थी कि तभी, घबराना नहीं रहीम, मौत तुम्हें छू भी ना पाएगी। राम एकाएक एकाएक राम का स्वर सुनकर रहीम बेतहाशा चौंक उठा। ये स्वर तो और ये साया कैसा है जो हमारी मदद करने आ पहुंचा है? उस रहस्यमय साये ने बुलडोजर सहित द्विदंती को उछाल फेंका। अब तू और तबाही नहीं मचा पाएगा दुष्ट द्विदंती। आश्चर्यचकित रह गया था रहीम भी जब उसने उस साये को बुलडेजर पलटते देखा था। वाह, मगर कौन है ये मददगार साया? हमें ये कैसी अनोखी मदद मिल रही है? रहस्यमय साये ने द्विदंती को ठोकर जड़ दी। मेरे शहर में आकर तबाही मचाना चाहता है द्विदंती। तड़ाक, द्विदंती ने उस साये को दबोचना चाहा। साये को भी कोई आज तक पकड़ सका है क्या? अब मेरा ये वार तेरा सिर तोड़ देगा। ढिसुम रहीम, एकाध पटकी देनी है तो तुम भी दे लो। मैं तुम्हें पहचान गया, तुम राम हो, राम इस रूप में। फिर ना जाने क्या हुआ कि द्विदंती उस रहस्य में घेरी की तरफ भाग पड़ा। रहीम ये फरार होने की फिराक में है, रोको इसे। अब तो रहीम इसे कब्र से भी खींच लाएगा। द्विदंती उस घेरे में छलांग लगा गया, लेकिन इससे पहले कि वो घेरा सिकुड़कर गायब हो जाता, पहले रहीम और फिर वो रहस्यमय साया भी उस घेरे में समा गया। राम और रहीम दोनों उस घेरे में समा गए और घेरा भी गायब हो गया। नकोदर, जिसने तीनों लोकों को फतेह करने का स्वप्न देखा था, ओह द्विदंती, द्विदंती के पीछे पीछे ही रहीम और राम भी अपने वास्तविक रूप में आ पहुंचा था। राम, हाँ रहीम, ये मैं ही हूँ। सम्राट नकोदर, आपके आदेशानुसार मैं इन दोनों को यहाँ लाने में सफल रहा। ओ, अब तुम द्विदंती नामक इस शस्त्र में समा जाओ। द्विदंती, शेषनाग के दिव्यास्त्र द्विदंती में समा गया। रहीम क्रोध से चीख पड़ा, ओ तो वो तू है दुष्ट जिसने अपनी रहस्यमय शक्तियों से हमारे देश की धरती पर आतंक फैला रखा है। रहीम, मेरे सेनानायकों को कई बार मात देकर तुमने अप्रत्यक्ष रूप से मुझे कई बार मात दी है, और राम, तुमने द्विदंती के कार्य में जो बाधा पहुंचाई है उससे मैं भी हैरान हूँ। तुम दोनों अद्भुत शक्तियों एवं कुशाग्र मस्तिष्क के मालिक हो, किंतु तुम दोनों को अब मैं एक ही शर्त पर जीवित छोड़ सकता हूँ। वो ये कि तुम दोनों अपनी शक्तियों का प्रयोग मेरे मकसद को पूरा करने में करो। हम अपनी शक्तियों एवं अपने कुशाग्र मस्तिष्क का प्रयोग अब केवल तेरी मृत्यु के लिए करेंगे नकोदर। राम रहीम के शस्त्रों को नकोदर ने बीच राह में ही भस्म कर दिया। ये शेषनाग का दिव्यास्त्र द्विदंती है राम रहीम, जो तुम्हारे किसी भी शस्त्र को मुझ तक नहीं पहुंचने देगा। सर, और ये भगवान शंकर की त्रिशूल शक्ति, इंद्र की वज्र शक्ति, स्वयं वासुकी की खड़क शक्ति, और ये नाकोदर शक्ति जो आधी उस युग की है जिसमें जिसमें से मैं आया हूँ, और आधी इस युग की जहाँ इस समय मैं खड़ा हूँ। सोच लो राम रहीम, क्योंकि अब तुम्हारा जवाब ही तुम्हारी जिंदगी और मौत का फैसला कर देगा। नकोदर, अगर तुम जैसे शैतानों के हाथों तो जिंदगी और मौत के फैसले होने लगें तो ये धरती एक बहुत बड़े कब्रिस्तान में बदल जाएगी। रहीम ठीक कह रहा है नकोदर, क्योंकि तुम जैसे शैतान अपने आतंक के बल पर लाशों पर ही अपना शासन चला सकते हैं। राम रहीम, मुझे तुम्हारी मृत्यु का बेहद अफसोस रहेगा। त्रिशूल शक्ति, वज्र शक्ति,
खड़क शक्ति, प्रलयकारी शक्तियां जो गलत हाथों में पहुंच गई थी। राम रहीम, त्रिशूल शक्ति का सामना तुम नहीं कर सकोगे, खड़क शक्ति तुम्हारे टुकड़े कर देगी, वज्र शक्ति तुम्हें राख का ढेर बना देगी। इन शक्तियों का सामना निसंदेह कोई नहीं कर सकता, लेकिन जिसके पास भगवान शंकर, इंद्र, विष्णु और स्वयं वासुकी का संयुक्त शक्तियों धारक शस्त्र अजय हो, उसे कोई शक्ति परास्त नहीं कर सकती। नकोदर, त्रिशूल शक्ति, वज्र शक्ति और खड़क शक्तियों ने राम रहीम पर मारक किरणों का प्रहार किया। सुन, इधर से राम के शस्त्र अजय ने भी प्रचंड ध्वनि की, कर और कड़ कड़ाक। ये देखकर चकित हो उठा नकोदर। ओह नहीं, तीनों शक्तियां लोप हो गई। नकोदर, हमारी जिंदगी और मौत तुम्हारे हाथ में है, क्या अभी भी तुम ऐसा कहोगे? वाह राम, तुमने तो कमाल कर दिया, नकोदर शक्ति का मुकाबला तुम नहीं कर पाओगे शैतानो। तड़ाक, उफ, आ, नकोदर शक्ति के पिस्टल ने आग उगल दी। रहीम बचो, बचने की कला तो मुझे लड़ने से भी बेहतर आती है। नकोदर शक्ति ने राम पर प्रहार किया, साए। तभी रहीम का यांत्रिक हाथ नकोदर शक्ति पर झपटा। तड़ाक, नकोदर शक्ति, ये मुझ पर वार करने का बदला, और ये मुझ पर। अगले ही पल राम ने अजय को नकोदर शक्ति के सीने में पिबस्त कर दिया। खच, नहीं, नकोदर शक्ति भी समाप्त हो गई। अब मैं इन्हें गोलियों से भून डालूंगा। तर 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 तर, रहीम की ओर बढ़ती सारी गोलियां रहीम के यांत्रिक हाथ ने अपने मुट्ठी में दबोच ली। वाह, जेम्बू का ये उपहार कमाल का है। टना टनाक, राम ने भी गोलियों से बचने का उपाय कर दिया था। टनाक टनाक, जेम्बो के विषय में जानने के लिए पढ़ें राम रहीम का महान कॉमिक्स विनाशदूत करकेंटा एवं आकाश का जादूगर। नकोदर, अजय के सामने तेरे इन शस्त्रों की क्या औकात है सर? किंतु मैं तुझे इस दिव्यास्त्र से नहीं मारूंगा। नकोदर, ले संभाल इसे। नकोदर ने तलवार लपक ली और टनाक, किंतु राम के पास अजय शक्ति होने के कारण पलड़ा उसी का भारी रहा। कड़ाक, मेरी तलवार टूट गई। राम रहीम, ये लॉन्चर गन तुम दोनों के चिथड़े उड़ा देगी। रहीम बचो, नकोदर ने रहीम पर गोला दागा। राम ने उस वार को अपनी छाती पर झेला। बुम, राम घबरा मत रहीम, मेरे पास अजय शक्ति है, जिसके रहते ये शैतान मेरा तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। सहसा नकोदर एक अन्य कक्ष की ओर लपका। राम, नकोदर फरार होने की चेष्टा कर रहा है, मैं उसे फरार नहीं होने दूंगा। रहीम, उसे रोकेगी मेरी शैडो पावर। इधर शेषनाग के खजाने सहित नकोदर समय गति यंत्र में सवार हो चुका था। राम रहीम, मैं जा रहा हूं, लेकिन शीघ्र ही तुम्हारी मौत बनकर फिर लौटूंगा। इस आवाज को सुनकर वो बेतहाशा चौंक पड़ा। अब तुम अपनी इच्छा से कहीं नहीं जाओगे नकोदर। तुम, नकोदर राम को इस रूप में भी पहचान गया था। राम की शैडो पावर नकोदर पर टूट पड़ी। तड़ाक, राम उसे तब तक पीटता रहा जब तक कि ये बेहोश हो चुका है। अब मुझे रहीम को भी इस गति यंत्र में बुला लेना चाहिए। फिर नागलोक में, राम रहीम, नागराज वासुकी को राम रहीम का प्रणाम। नागराज वासुकी, शेषनाग का खजाना और आपका अपराधी इस समय गति यंत्र के भीतर मौजूद है। ओह राम रहीम, तुम ठीक समय पर शेषनाग का खजाना लेकर लौटे, अन्यथा पृथ्वी को शेषनाग के कहर से गुजरना पड़ता। ये सब आपके आशीर्वाद और आप ही की दी हुई शक्तियों के कारण संभव हो सका है नागराज वासुकी। नकोदर को कहीं कैद में डालने के पश्चात, राम, मैंने जो मुद्रिका तुम्हें दी थी वो मानवता की रक्षा में प्रयोग करना, किंतु अजय शक्ति को हम वापस ले रहे हैं। फिर, अरे राम रहीम, चीफ। और फिर जब राम रहीम ने उन्हें पूरा किस्सा सुनाया तो सबने अपने दांतों तले उंगलियां दबा ली। इधर
इस प्रकार समाप्त हुआ नकोदर के साथ ही कई रहस्यमय शक्तियों का आतंक भी। अगले दिन समाचार पत्र इत्यादि सुपर हीरो राम रहीम की प्रशंसाओं से भरे हुए थे। जबकि राम रहीम को अपनी शैडो पावर और मुद्रिका के विषय में बता रहा था। ओह राम, तुम्हारी शैडो पावर और मेरा यांत्रिक हाथ मिलकर देश के दुश्मनों और अपराधियों पर कयामत ढा देंगे, किंतु मुझे ये सब कुछ अभी भी किसी स्वप्न की तरह लग रहा है। मगर राम जानता था कि वो सब स्वप्न नहीं था, हकीकत थी। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना, और ये बिल्कुल फ्री है।